दबंग बिहार स्टार टीवी से मैं आज एक बार फिर सद्दाम हुसैन। आज मैं सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड के कन्हा पंचायत के अंदर मौजूद हूँ। आज एक 5 सवाल करना है कारी इम्तियाज साहब से। कारी इम्तियाज साहब, हमारे दबंग बिहार स्टार टीवी में आपका स्वागत है। शुक्रिया कारी साहब। सबसे पहला सवाल है आपसे कि आप किस वार्ड से हैं? हम ग्राम पंचायत राज कन्हा के 9 नंबर वार्ड से। सबसे पहले ये बताइए कारी साहब कि आपके वार्ड की हालात कैसी है अभी इस समय, क्योंकि चुनाव का भी दौरान है। देखिए, हम लोग जिस वार्ड में अभी रह रहे हैं 9 नंबर वार्ड में, तो सबसे पहले ये समझना चाहिए हमको कि हम लोग किसी के सपोर्टर नहीं है, वोटर है। और वोटर जो होता है वो कहीं भी वोट करता है, विकास को वोट करता है। तो इस बार हम लोगों ने जिस कैंडिडेट को चुना और उन्हें जिताया इस उम्मीद पे कि वो बहुत सारा काम करेंगे और गांव को बहुत आगे तक ले जाएंगे, खासतौर से विकास और शिक्षा के मामले में। लेकिन ये 5 साल उनका पूरा होने जा रहा है, उनका रीजन और उनका टाइम अब खत्म हो रहा है, लेकिन अब तक हमारे वार्ड में खासतौर से कोई काम नहीं हुआ है। चाहे वो नाला का काम हो, चाहे जल नल का काम हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, किसी भी विषय पर उन्होंने न कभी सोचा, न काम किया, न कभी लोगों से मुलाकात की। यानी हम जितना पीछे पहले थे आज भी उतना ही पीछे, बल्कि उससे ज्यादा हो गए जी, ये कंडीशन है जी। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कारी इम्तियाज साहब, आपने अल फलाह पब्लिक स्कूल जो कायम किया है अभी नया नया, उसका उद्देश्य क्या है? हमारी जो दबंग बिहार न्यूज की टीम है वो आपसे जानना चाह रही है। ये दबंग बिहार स्टार टीवी ये आपका चैनल है और आज आप लोग आए हैं अल फलाह पब्लिक स्कूल में, जो ग्राम पंचायत राज कन्हा में है। और जो हमारा उद्देश्य है, हमारा पैगाम है लोगों के लिए कि आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। क्योंकि एक जमाना वो था कि जब लोग खेती बाड़ी करते थे और किसी तरह से अपना गुजर बसर कर लेते थे, लेकिन आज के दौर में नेटवर्किंग का जमाना है, पूरी दुनिया आदमी की मुट्ठी में है। ऐसे में अगर हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता और शिक्षित नहीं बनाएंगे, एजुकेटेड नहीं बनाएंगे, तो हम किसी जरूरी है कि अपने बच्चों को आप इस मैदान में लाएं और हालात के हिसाब से, इस दौर के हिसाब से अपने बच्चों को शिक्षित बनाना हमारी मजबूरी भी है और हमारी जरूरत भी है। इसलिए हम लोगों के सामने इस जरूरत को लाए कि आप देखें कि हमारा गांव जो मशहूर तो बहुत है पूरे बिहार में, खासतौर से जो यहाँ एक बड़ा मदरसा है अशरफुल उलूम, जिसकी वजह से और उसकी वजह से हमारे गांव को वाकई बहुत फायदा भी हुआ है कि दीनी तालीम में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जिस देश में, जिस मुल्क में रहते हैं, सिर्फ दीनी तालीम से काम नहीं चलेगा। वो हमारी आखिरत की भी जरूरत है, दुनिया की भी। लेकिन जो दुनियावी तालीम है, जिसको असली तालीम, जिसको अंग्रेजी और इंग्लिश तालीम कहते हैं, उसकी जरूरत हमें मरते दम तक है और हर मैदान में है और हर विभाग में है। अगर हम अपने बच्चों को न पढ़ाएंगे तो न तो हमारे बच्चे सरकारी जॉब में जा सकते हैं और न सरकारी कोई काम करवाना हो तो अच्छे ढंग से करवा सकते हैं। फिर वही होगा कि हम आप दूसरे के मोहताज रहेंगे, दूसरे से पूछेंगे, जो जैसा रास्ता उल्टा सीधा जो भी दिखा देगा उस पे चलेंगे। इसलिए हम ये मिशन लेके आए गांव में कि लोगों को शिक्षित बनाए, लोगों को तालीम याफ्ता बनाए। इसलिए कि बहुत हो चुका और बहुत लेट हो गए हम लोग गांव वाले। ये कदम हम लोगों को आज से कम 25-30 साल पहले उठा लेना चाहिए, लेकिन नहीं उठाया। और हम उसके बारे में बराबर सोचते रहे और सोचते सोचते आज यहाँ पहुँचे हैं कि हमने स्कूल कायम कर दिया है और बच्चे यहाँ पे आ भी रहे हैं और आज भी बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं क्लासों में और तालीम हो रही है। और उम्मीद है कि हमारे गांव के लोग भी इस मैदान में आगे आएंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे और खासतौर से अपने बच्चों के मुस्तकबिल और भविष्य के बारे में जरूर सोचेंगे। क्योंकि स्कूल जो आपने शुरू किया है कारी इम्तियाज साहब, तो इसमें आपका फायदा कितना है और खर्च किया कितना हुआ है लमसम आपको इस स्कूल को बनाने में? देखिए, बेंच है और ये रूम वगैरह है, 6 रूम बनाए हैं क्लासरूम, उसमें और बेंच वगैरह में 70,000 के आसपास खर्च हुआ है। और ये हम कर्ज लेके ही काम किए, क्योंकि
पहले बताए हैं हम आपको कि हम घरेलू एतबार से बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन एक जज्बा है, एक शौक है, एक मिशन लेके उठे हैं, इसलिए किसी तरह से कहे कि काम शुरू करें। अब ये है कि हमारा इसमें बेनिफिट क्या है, तो आपको पहले बताएं कि बच्चों से कुछ लिया ही नहीं जा रहा है तो बेनिफिट कहाँ से होगा। और जो ट्यूशन फीस है उसमें टीचर भी है, कुछ मैडम भी है, और उसमें ही हमारी जो तनख्वाह बनेगी यानी 4 से 5 हजार रुपया जो हमारी तनख्वाह हमारी सैलरी बनेगी, हम उसी पे सबर करके काम करेंगे। फिर जब स्कूल आगे बढ़ेगा तो बेनिफिट भी बढ़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ इतना बेनिफिट रखे हैं अपने लिए कि हमारे घर की दाल रोटी चल जाए, बस ये हमारे लिए काफी है। अगर बच्चे हमारे जुड़ जाते हैं और हम दाल रोटी ही खा लेते हैं तो हम समझेंगे कि हम अपने मिशन में कामयाब हो। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमें दबंग बिहार स्टार टीवी को टाइम देने के लिए कारीन क्या साहब। चलिए शुक्रिया जी। तो कट कट आपके के आप अपने गांव के बच्चों को किस लायक बनाना चाहते हैं? हमारी जो सोच है वो तो ये है कि हर बच्चा शिक्षित हो, तालीम याफ्ता हो, जैसा कि हमने पहले बताया। लेकिन अब पॉइंट ये है कि हम अपने बच्चों को किस लायक बनाना चाहते हैं। हम इस लायक बनाना चाहते हैं कि हर घर में कम से कम एक बच्चा हमारा ऐसा निकले जो सरकारी जॉब में हो। हर घर से एक बच्चा ऐसा निकले जो सरकारी जॉब में हो, सरकारी नौकरी में हो, हमारे देश की सेवा में लगा हुआ हो, और अगर प्राइवेट तौर पर भी वो काम करे तो अच्छी सैलरी पाता हो। इस दौर के हिसाब से इतनी अच्छी सैलरी वो पाए कि आप उसे खुशहाल कह सकें, यानी हर लिहाज से वो कामयाब हो सके, ये हमारा मिशन है और हम इस पर काम भी शुरू कर चुके हैं। अब बारी है सवाल नंबर 4 की। आप के इस नेक कदम से समाज में कितनी उत्सुकता और खुशी समाज वाले आपके जो है वो आपके पास जाहिर करते हैं? देखिए अल-फलाह पब्लिक स्कूल जो है हम जो कायम किए तो सिर्फ शिक्षा और तालीम ही मकसद नहीं था। असल पॉइंट ये है कि जो तालीम के नाम पे जो लोगों ने बाजार गर्म कर रखा है पूरे इंडिया में और मार्केटिंग चल रही है कि महंगी से महंगी तालीम, और लोग भी यही सोच रहे हैं कि जहां ज्यादा पैसा लिया जाएगा वहां तालीम अच्छी होगी, कम पैसे में अगर तालीम है तो वो अच्छी नहीं। और हमारा आपका मिजाज है कि अगर 100 रुपए वाला कोई कपड़ा फुटपाथ से खरीदते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसी को अगर पैकिंग करके मॉल में जाने दे और वो 5,000 का बिके तो वो बहुत अच्छा है। वही हमारे यहाँ की ब्रांड ज्यादा लोग समझते हैं, ब्रांड की अहमियत को समझते हैं कि ब्रांडेड हो यानी पैसा ज्यादा हो तो उसकी अहमियत ज्यादा है, पैसा कम हो तो न हो। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हमने सोचा कि भाई अगर ब्रांड पे भागेंगे, पैसा ज्यादा रखेंगे तो हमारे जो मालदार के बच्चे हैं वो तो आ जाएंगे, लेकिन गरीबों के लिए कौन सोचेगा। इसलिए हम लोगों ने गरीबों को सामने रखते हुए कि चाहे वो जितना गरीब हो इतना खर्च रखो कि वो बेयर कर सके और वो पढ़ ले, और यही नहीं जो बल्कि बहुत गरीब बच्चे होंगे हमारे यहाँ, खास तौर से जो अनाथ बच्चे होंगे, जो यतीम बच्चे होंगे, उनके लिए हमारा प्लान ये है कि स्कूल उनकी सहायता करेगा हर एतबार से। स्कूल उनको किताब देगा, उनकी ट्यूशन फीस को माफ करेगा, यानी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें तालीम दी जाएगी ताकि गरीब के बच्चे भी इससे जुड़े, क्योंकि तालीम हम आप जानते हैं कि किसी की जागीर नहीं है, किसी की विरासत नहीं है, ये जितना मालदारों को सीखना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा गरीबों को सीखना जरूरी है। इसलिए गरीबों के लिए हम ये प्लान लेके आए, और जब ये चीज लोगों को मालूम हुई तो वाकई लोगों में उत्सुकता बढ़ी, खुशी हुई। जब इसके ओपनिंग का प्रोग्राम हमने रखा तो लोगों ने उसमें बड़ी दिलचस्पी दिखाई, लोग आए और सराहा, और खास तौर से हमको लोगों ने शाबाशी दिया कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिस पर मालदार लोगों को काम करना चाहिए। तो हमारा जवाब उनके लिए ये था कि गरीब के लिए गरीब सोचता है, मालदार नहीं सोचता, मालदार के लिए मालदार सोचेगा क्योंकि उससे उनको बेनिफिट ज्यादा है। लेकिन हम एक गरीब तबके से हैं, गरीब घर से हम बिलोंग करते हैं और उसी घर में हमारी पैदाइश हुई है, इसलिए गरीब का दर्द क्या होता है हमसे बेहतर शायद बहुत कम लोग जान पाएंगे। इसलिए इसी दर्द को लेके हम इस मैदान में आए और लोगों के लिए एकदम सस्ती तालीम, यानी आप सुनेंगे तो ताज्जुब होगा कि नर्सरी की जो किताबें दूसरे स्कूलों में 2,200, 2,500, 2,700 में चलती है हम उसे सिर्फ 900 में दे रहे हैं, यानी जितना बेनिफिट है सबको माइनस करके चल रहे हैं। एडमिशन चार्ज और जगह 2,500, 3,000, 4,000 तक होता है, हमारे यहाँ जीरो है,
कोई एडमिशन चार्ज नहीं, आप आइए अपने बच्चों को लेके, और सिर्फ ट्यूशन फीस 200 या 250 तय है वो आप दीजिए और अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए। एक चीज ये है। दूसरी ये कि मुस्लिम समाज के एतबार से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़े तो हमारे बच्चे कुछ दीनी तालीम भी पढ़े, और हमारा मिशन ये है कि एक हाथ में कंप्यूटर हो तो दूसरे हाथ में कुरान हो। एक तरफ हम अंग्रेजी में बात कर सकते हो तो दूसरी तरफ हमारी उर्दू बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये हमारा मिजाज है और लोगों को इस बात से बहुत खुशी भी है, लोगों का ताउन भी मिल रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस दिन स्कूल स्टार्ट हुआ उसी दिन से स्कूल बंद होने का ऐलान हो गया। तो बहरहाल जब लॉकडाउन हटेगा तो स्कूल फिर अपने तौर पर चलेगा इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, लॉकडाउन तो हटेगा ही। और सवाल, अब आखिरी सवाल और पांचवा सवाल है, क्योंकि अब सवाल नंबर 5 के आखिरी सवाल कर दे। तो अब तक जो दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी वीडियो में। जय भारत, जय बिहार।